रतनपुर नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 में 22 लाख की लागत होगा नाली निर्माण, जिसका आज भूमि पूजन पार्षद हकीम मोहम्मद ने किया। 14वें वित्त की राशि का किया जाएगा नाली निर्माण में उपयोग। बता दें, मोहल्लावासी वर्षों से नाली की मांग कर रहे थे, जिसको पार्षद हकीम मोहम्मद गंभीरता से लेते हुए परिषद में मांग रखी, जिससे परिषद में पास किया। वहीं रतनपुर को तालाबों की नगरी कहा जाता है। रतनपुर में जहां प्रसिद्धि वेद तालाब में गंदे नाली का पानी जमा हो रहा था, वेद तालाब से RCC नाला तक बनाई जाएगी। वहीं इस नाली के निर्माण से मोहल्लावासियों की समस्या दूर होगी और उन्हें स्वच्छ वातावरण मिलेगा और वेद तालाब की पानी का भी उपयोग कर पाएंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम में पूरे वार्ड के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। रतनपुर से ताहिर अली की रिपोर्ट। आज लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन 22,47,000 का रोड का ओपनिंग किए हैं, जिसमें नाला यहाँ से बेत तालाब के कोर से लग करके आखिरी खेत के जाकर नाला भी मिलेगा, जो बहुत पुरानी बहुत समस्या थी। पहले यहाँ से जाती थी पानी, आज बरसों पुराने पट्टे पट्टे पट गई है, जिसकी वजह से बेत तालाब जो कभी जमाने से बहुत सुंदर तालाब था, जिसका एक इतिहास है, और आज पूरा बस्ती का पानी जाकर पीने लायक भी नहीं रहा। लेकिन सारे लोगों को मांग को देखते हुए आज हम पार्षद लोग मेहनत करके आज इस नाला को पूरा बनवा रहे हैं, जो 22,47,000 में ये पूरा रोड बने, नाली बनेगा। लगभग 400 मीटर का यह नाली बनेगा, RCC नाली।